हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए, यहां पर इसका प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसे बॉक्स से बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूं। वैसे तो मैं इसे एक बार पहले भी खोल कर देख चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर से इसे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसका सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो लुमिनस का इन्वर्टर होता है, यह और बाकी इन्वर्टर के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये न्यू मॉडल का इन्वर्टर है दोस्तों। चलिए मैं इसे यहाँ से बाहर निकालता हूँ, फिर इसका मॉडल वगैरह आपको दिखाता हूँ। इस बॉक्स में आपको इन्वर्टर के साथ ही साथ इसका वारंटी पेपर भी मिलेगा। ये देखिए, ये इसका वारंटी पेपर है जिसके नाम पर आप इन्वर्टर खरीदेंगे उसके नाम और एड्रेस को यहाँ पर भरना होता है। वारंटी फॉर्म में आपको आपका पूरा एड्रेस और नाम देना होगा, तभी आपके घर तक सुविधा पहुंच पाएगा इसका। ये देखिए, फॉर्म के साथ में एक फ्यूज भी है ताकि जब हमारे इन्वर्टर का फ्यूज खराब हो तो हम उसे आसानी से चेंज कर सकें। अब चलिए इन्वर्टर को मैं प्लास्टिक से बाहर निकाल देता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है वह सभी वीडियो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए नहीं है। इस इन्वर्टर के ऊपर में जो स्टिकर लगा हुआ है उसमें वार्निंग भी दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे प्लास्टिक से बाहर निकाल दिया। अब यह देखने में कितना शानदार लग रहा है आप खुद ही देखिए। इको वोल्ट नेरो 850 इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर है। अब चलिए मैं आपको इसके बैक साइड को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो दोनों केबल है यह बैटरी में लगेगा और यह 3-पिन वाला जो केबल है यह सीधा आपके सप्लाई में जाएगा। इसे आपको 220 वोल्ट सप्लाई में लगाना है और ये जो यहाँ पर सॉकेट दिया गया है यह सॉकेट आपके आउटपुट सप्लाई का है। और यहाँ पर एक फैन भी लगा हुआ है ताकि इसके अंदर का जो सामान है वह ठंडा रह सके। इसके पीछे में जो ये दो स्टिकर लगा हुआ है इसमें इसका सब कुछ लिखा भी है। ये देखिए, ये फ्यूज है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसे खोल कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्यूज लगेगा। जब भी इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले फ्यूज खराब होता है, तो आप यहां से फ्यूज को चेंज कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से और बता देता हूं कि कौन सा केबल कहां पर लगेगा। तो ये जो 3-पिन वाला केबल है ये तो आपके सप्लाई में लगेगा और ये जो लाल वाला केबल है यह बैटरी के प्लस वाले पिन में लगेगा और जो काला वाला केबल है यह बैटरी के माइनस वाले पिन में लगेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट DC लिखा भी है। अब चलिए मैं आपको इन्वर्टर के सामने साइड को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इको वोल्ट नेरो 850 लिखा है ये इसका मॉडल नंबर है। ये देखिए, यहाँ पर मेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर चार्जिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर इको, यहाँ पर UPS, यहाँ पर लो बैटरी और यहाँ पर ओवरलोड। और ये जो स्विच है ये इसका पावर का स्विच है। आप इस स्विच की मदद से इसके मोड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस स्विच को इस तरह से 2-3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आप UPS मोड से इसे इको मोड और इको मोड से UPS मोड पर चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।